एक भी तुसी केफ डायरी दिखा दो, एक भी केफ डायरी, तब 30 दे विच देखो केफ डायरी लिखी जाती है। उस केफ डायरी नूं पंजाबी दे विच असीं जिमनी बोलते हैं। एक भी जिमनी तुसी प्रबोध कुमार जी वालों दिखा दो जां अरुण पाल सिंह वालों तुसी दिखा दो, एक भी केफ डायरी। फिर तुसी किस तरह कह सकते हो कि तुसी सिट दे मुखी हो जां तुसी तफ्तीश की हुई है? इहदा मतलब तो उन्होंने एडवर्स रोल प्ले किया है, उन्होंने अड़के पाए ने तुहाडे अगे। जेकर इंसाफ नहीं मिलिया उहदे विच इन्हों का बहुत बड़ा रोल है, दो अफसरों का बड़ा रोल। प्रबोध कुमार जी जो उदों अपने आप नूं सिट दे मुखी बोलते सी, ऐसे कोई मुखी नहीं सीगा, सारे तफ्तीशी सीगे। सरकार वालों जो ऑर्डर जारी होया सी देर वाज नो मुखी, अपने आप नूं लोकां ने खुद ही बनाया सी, खुद ही मुखी बना लिया सी। ठीक है, तो सीधा इशारा है प्रबोध कुमार जी अपने आप नूं जिहड़े ने, लेकिन कोई भी मुखी नहीं सी। जदों सफा मिसल ते केस फाइल दे उत्ते जदों एविडेंस भी आ गया तो उस रिपोर्ट दे विच सीगा मैं नोटिस। सब तो पहला देखो इन्हां लोकां ने की किया, प्रबोध कुमार जी ने कि हाँ जी नोटिस वापस ले लो। मैं कहा कि नोटिस मैं वापस नहीं ले सकता, मैंने कहा गया बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा कि नोटिस वापस ले लो। इतने गए फिर बादल साहब ने कहा कि थोड़े मुखी कितने नहीं, मैं उन्होंने कहा कि देखो मुखी आए नहीं, जेकर तुसी चाहो बुला सकते हो। मेरे फोन के राही बादल साहब ने गल की, मुखी 1.5-2 मिनटां दे विच जिस तरह वो तैयार बैठे से वो पहुँच गए जी। वो जदों गए तो बादल साहब नूं पूरा हौसला हो गया, इहदा मतलब कि कुछ ना कुछ तो है ने। कई सारे लोगों ने जिन्होंने तफ्तीश की है, जिन्हों का रोल सीगा तफ्तीश दे विच, सारिया ने एडवर्स रोल प्ले किया। इस करके देखो 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो एक अंग्रेजी दे विच कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस तो डिनाई हो चुके हैं। इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है, मैं इस चीज़ की गरंटी आज नहीं ले सकता। ठीक, क्यों? जो मैं रिजाइन किया उदो मैं की कहा सी, तुसी दसो, तुसी भी मेरा इंटरव्यू लिया सी, मैं की कहा सी? मुश्किल है जी, उदो भी मैं कहा सी। लेकिन जो सरकार साड़ी हुण आ गई है, चीफ मिनिस्टर साहब का डिटरमिनेशन जो वो शो कर रहे हैं, तो सानू आस तो रखनी चाहिए है। मैंने एक तरीके जो ठेस पहुँची सी पिछले साल जो फैसला आया सी, तो फैसले तो बाद जो परिस्थितियाँ बन गई उस काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब चंगा महसूस नहीं होया, मैंने लग्या कि सिस्टम ठीक नहीं है, मैं रिजाइन कर दिता सी। लेकिन इस फैसले ने नाल मतलब तुसी कहो कि थोड़ा सा मैं एक मरहम की तरह तुसी कह सकते हो। दर्शकों तुहाडा स्वागत है, मैं तुहाडा होस्ट नील भुलिंदर सिंह। जिहड़ी नवीं सदी चल रही है इस च पंजाब दे विच धार्मिक ते राजनीतिक तौर दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ते गोलीकांड जिहड़ा 2015 च वापरिया वह दूजी वड्डी घटना है। पहली घटना सी जदों सौदा साध गुरमीत राम रहीम ने दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का सवांग रचाया, तो इन घटनावां का पंजाब की राजनीति के उत्ते बहुत गहरा इंपैक्ट है। धार्मिक तौर के उत्ते ऐसा एक जख्म जो है मिलिया कि जो शायद भरेगा नहीं दूर तक भी। मैं गल राजनीति की करदा, राजनीति दे विच जेकर पिछलिया दो सरकारां 2017 की 2022 की, यह दोवां जिहड़ियां सरकारां जिहड़ियां ने ये जदों आपां सत्ता च आउंदियां ने, ये तां इन्हां दे पिछोकड़ दे विच जेकर वड्डे मुद्दे काम कीते ने तां ये वड्डा बैबल कलां गोलीकांड ते उस तों पहलां बेअदबी दा मुद्दा जरूर जिहड़ा हैगा उस च शामिल रहा है। हुण एक ताज़ा रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री साहब वालों जनतक की गई है, कुल मिला के माहौल यह बन गया है कि शायद उस वक्त की सरकार जिहड़ी के जिहनूं जिहदी अगवाई प्रकाश सिंह बादल कर रहे सन, भारतीय जनता पार्टी ते अकाली दल की सरकार सी, कि उसनूं क्लीन चिट दे दित्ती गई है। जां फिर यह गल की जा रही है कि पिछली जिहड़ी कांग्रेस की सरकार सी उन्होंने जाणबुझ के मामले नूं उलझाई रखिया ते अकालियां दे उत्ते चिक्कड़ सुट्टिया, ये अकाली कह रहे हैं। पर यह मामला इन्ना गुंझलदार क्यों हुंदा जा रहा है, ये गुत्थी सुलझाउण की आपां कोशिश करांगे, डीकोड करन की कोशिश कर रहे हाँ कि असल विच बेअदबी गोलीकांड ते 3 FIR कोटकपुरा गोलीकांड ते बैबल कलां गोलीकांड इस नूं लैके जो जांच हुई है उहदी स्थिति की है, कौन कौन जिहड़े लोग ने जिहड़े नामजद ने ते किन्हां वल उंगल उठती है ते किस नूं बख्शिया नहीं जा सकदा, ये वड्डे सवाल ने। इहनां दा आपां जवाब लभण की कोशिश कर रहे हाँ मेरे नाल बड़े ही अहम मेहमान, अहम मैं इस करके कह रहे हैं कि उन्हां दी जेकर उन्हां दे कैरियर कह लो या उन्हां दा मौजूदा जो उन्हां दी हैसियत है सियासत दे विच पंजाब दे विच, उहदे पिछे बैबल कलां गोलीकांड ते उस तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का जिहड़ा इशू है वह एक वड्डा जिहड़ा हैगा फैक्टर रहा है
उन्हें 1998 बैच के IPS कुंवर विजय प्रताप सिंह जो कि इस वक्त सत्ताधारी धिर के MLA ने। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। थोड़ा मैं समय इस करके लिया क्योंकि मामला इन्ना गुंझलदार हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि बेअदबी ते गोलीकांड के मामले नू किस तरह समझा जाए, आम बंदे नू किस तरह दसिया जाए, आम सिख संगत जिहड़ी रोस च बैठी है वह किस तरह समझे कि सानू इंसाफ मिल भी रहा है जा सिर्फ गल्लां ही हो रही ने। पहली गल, हाई कोर्ट ने उन्हां पुलिस अधिकारियों की पटीशना खारज रद्द कर दित्तियां ने जिन्होंने तुहाडे कीते हुए काम नू चुनौती दित्ती सी। की टिप्पणी देना चाहोगे? मैं तो यही कहांगा कि ये जिहड़ा फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि जिस तरीके दे नाल कोटकपुरा गोलीकांड दे विच जो मेरी रिपोर्ट सीगी वो रिपोर्ट चलान दे रूप दे विच फरीदकोट दी मानजोग सैशन अदालत दे विच सीगी, प्रोसैस ऑफ ट्रायल शुरू होने वाला सी, इन द मीन टाइम वो सारा क्वैश हो गया जी। क्वैश होने तो बाद मैं रिजाइन कर दिता सी। सेम पैटर्न ते बहबल कला गोलीकांड दे विच भी रिट पटीशन चल रहे सी दोषियों वालों, कोटकपुरा गोलीकांड दे विच भी ते बहबल कला गोलीकांड दे विच भी जो मेरे वालों तफ्तीश की गई सी उसनू रद्द कराउण वास्ते पटीशन दायर की गई सी। तो पिछले साल अप्रैल महीने दे विच जदों कोटकपुरा गोलीकांड की रिपोर्ट रद्द हो गई तो मैं इस्तीफा दे दिता सी। तुहानू पता है काफ़ी उस तो बाद कंट्रोवर्सी हुई सी, कंट्रोवर्सी तो बाद मैं रिजाइन किया सी जी। हुण देखो सेम सैट सीगा इन्वेस्टिगेशन दा बहबल कलां वास्ते, दोषियों ने यह कहा कि यह तफ्तीश भी उस आधार पर रद्द कर दी जाए लेकिन मानजोग अदालत ने कहा कि तुहानू जो कुछ भी कहना है तुसीं चार्ज फ्रेनिंग दा जां मतलब ट्रायल स्टेज पर तुसीं जाके ट्रायल कोर्ट दे विच कहना है। ठीक है जी। तो मैं ये कहांगा कि देखो मेरे वास्ते एक मरहम दी तरह है जी। ठीक है। जो मतलब मैनू एक तरीके दे नाल जो ठेस पहुँची सी पिछले साल जदों फैसला आया सी ते फैसले तो बाद जो परिस्थितियां बन गई उस दे नाल काफ़ी ज़्यादा मैनू मतलब चंगा महसूस नहीं होया, मैनू लग्या कि सिस्टम ठीक नहीं है, मैं रिजाइन कर दिता सी। लेकिन इस फैसले ने नाल मतलब तुसी कहो कि थोड़ा सा मैनू एक वधिया एक महसूस होया है, एक मरहम दी तरह तुसी कह सकते हो। हुण जो तुसी कहा कि हाँ काफ़ी कुछ उलझा होया मसला है, ये देखो उलझन इस करके है कि कई SITs का गठन हो गया जी। मैं कोटकपुरा का भी करता सी, बहबल कलां का भी करता सी। जदों मैं रिजाइन कर दिता तो कोटकपुरा केस IG LK जादव वाली SIT देख रही है, राइट, और बहबल कलां वाला केस IG नवनिहाल सिंह वाली SIT देख रही है। जो तीन बेअदबियां दे केस सीगे जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दे सीगे जो पहला CBI दे कोल सी जिस दे विच CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी सी। गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप बुरजवार सिंह वाला तो चोरी होना, हाँ जी, पोस्टर लगना ते पत्रे जड़े ने हाँ वो मिलने, तो यह तीन केस CBI दे कोल सी। वो असी वो साड़ी SIT ने ही मतलब हाई कोर्ट दे विच भी CBI कोर्ट दे विच भी ते सुप्रीम कोर्ट तक असी जाके उसनू फिर असी वापिस लिया और जदों वो केस वापिस आ गया तो एक तीजी SIT बन गई जी। वो SIT सीगी खटरा साहब दी जी। ते खटरा साहब दे रिटायरमेंट तो बाद वो परमार साहब IG परमार साहब वाली SIT ते इस करके आज दी तारीख दे विच तुसी कहो एक परमार साहब वाली SIT है जी। जो बेअदबियां दे केसां दी जांच कर रही है। दूसरी LK जादव साहब वाली है जो कोटकपुरा केस दी जांच कर रही है। तीसरी SIT है IG नौनिहाल सिंह वाली है जो बहबल कलां केस की जांच कर रही है जी। तो क्लीयर मैं इस करके कर रहा हाँ कि कई व्यक्तियों इस बारे पता नहीं होता है। हुण तुसी देखो जो हालात इस वक्त बने हुए ने ये आम पब्लिक दे विच आम संगत दे विच बहुत ही एक तरीके दे नाल तुसी कहो किसे नूं कुछ पता नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, समझ दे विच नहीं आ रहा है जी। और ये मसला उना उलझा हुआ नहीं है जिना ज़्यादा ये उलझ गया है या उलझाया जा रहा है। चलो तुसी कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता जी, 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 जी। वो इस करके हो रहा है कि ये एक्यूज्ड हाई प्रोफाइल सी। तुसी देखो कोटकपुरा फायरिंग केस दे विच SHO तो लेके DGP तक उदों दे DGP सुमेध सिंह सैनी जो IG उमरा नंगल सी उन्होंने सारियां नू मेरी वाली SIT ने चलान कर दिता सी। यस। उस तो उपर उदों दे होम मिनिस्टर ते चीफ मिनिस्टर की गल चल रही सी जो असी 10वें चलान की गल
कर रहे थे वो उदों दे होम मिनिस्टर ते चीफ मिनिस्टर बारे से गा जी। लेकिन डीजीपी तक चलान हो गया सी, ठीक है जी। एदे विच भी डीजीपी तक चलान हो गया सी। जो बहबल कलां फायरिंग केस है SHO तो लेके DGP सुमेध सिंह सैनी तक ते कुछ प्राइवेट व्यक्तियां खास करके जिन्हां ने फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की सी, जिप्सी दे सरकारी जिप्सी ते फायर मार पॉलिटिकल लोग सी जो कुछ कुछ गन गन वाला, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने जो कोशिश की सी वो उन्होंने लेकर तकरीबन मतलब तुसी कहोगे बहबल कलां दे विच 7 दोषियों के खिलाफ चलान दायर हो गया सी। हुण है कि देखो मानयोग हाईकोर्ट का जो परसों फैसला आया है उहदे विच ए है कि हुण रहिंदी हुई तफ्तीश करनी है, IG नवनिहाल सिंह वाली SIT है वो रहिंदी हुई तफ्तीश करेगी, जो तफ्तीश बकाया रह गई है, क्योंकि IG उमरा नंगल ते DGP सुमेध सिंह सैनी जो उदों दे सी उन्हां दा तो चलान हो ही गया है, तो जो तफ्तीश बाकी रह रही है उसकी तफ्तीश वो करनगे, जिसनों असी फरदर इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं। जो IG LK यादव वाली SIT है उन्होंने कोर्ट का पूरा केस की री इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सौंपी गई सी, तो 6 महीने के दे चलान देने वास्ते मानयोग हाईकोर्ट वालों कहा गया सी। लेकिन तुम देखो कि 14 महीने हो गए तो चलान हले तक गया नहीं अदालत दे विच, तो इस तरीके दे सारा मामला उलझा होया है। जदों तुसीं इंसाफ दी गल करदे हो तुसीं देखोगे जदों मैं इस्तीफा दिता सी तो मैं क्लीयर किया सी, जो आज भी मेरे फेसबुक पेज पर है, जो 13 अप्रैल 2021 नूं बैसाखी वाले दिन जिस दिन नवजोत सिद्धू जाके बुर जवाहर सिंह वाला दे विच वो लाइव हो गए सीगे अपने फेसबुक जी। और इधर मेरा इस्तीफा सौंप दिता गया सी, कैप्टन साहब ने कह दिता कि इस्तीफा असीं मंजूर नहीं करते। मैं क्लीयर कट कर दिता सी कि हुण मैनू नौकरी नहीं करनी है, जो 13 अप्रैल 2021 वाला जो मेरा फेसबुक पोस्ट देखोगे मैं क्लीयर कर दिता सी कि हुण मैं नौकरी नहीं करनी है। दूसरी गल मैं कही सी कि मैं अपना फर्ज अदा किया और मैनू हुण कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो काम किया मैं परमात्मा की मर्जी दे नाल किया, और जो कानून दियां किताबां ने इस मुल्क का संविधान है, पंजाब पुलिस रूल है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस दे तहत मैं सारा काम किया सी, तां ही मैं लिख दिता कि मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच लगा दिती है, और मैनू पूरा विश्वास है कि उस अदालत वालों फैसला होगा, और उस तो उपर कोई अदालत मेरी नज़र दे विच जां कानून दी जो मेरी जानकारी है उस दे अनुसार उस तो उपर दी कोई अदालत नहीं है। तुसी देख लिया जो पॉलिटिकल लोग सीगे जिन्हां ने यह सारा ताना बाणा रचिया सी उन्हां दा की असर होया, कुछ लोगों ने राजनीति करन दी कोशिश की, कुछ लोगों ने इस मुद्दे नूं ग्लैमराइज करन दी कोशिश की सी। मेरे उस फेसबुक पोस्ट दे विच क्लीयर सीगा कि कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे नूं ना तो ग्लैमराइज करे ना पोलिटिसाइज करे, गल होवे तां मुद्दे दी होवे, मुद्दे दी होवे। ठीक है कि नहीं, एक क्वेश्चन जे दस्त होवे लेना, क्योंकि मैं इस करके वेट कर रहा सी, क्योंकि जिदा आपां शुरुआत कीती गल दी कि मामला इन्ना उलझ चुका है कि आम लोकां नूं संगत नूं समझ ही नहीं आउंदा कि जो डिवेलपमेंट हो रही है उहदा इस मामले लई इंसाफ दी जो लड़ाई है उस ते कोई असर पएगा भी जां नहीं पएगा, जे पएगा तां किस तरह दा पएगा। तुसीं गल कीती है जो परसों जजमेंट हाईकोर्ट की आई है, तुहाडी जिहड़ी जांच सी कीती हुई, तुहाडे चलान सी, चार्जशीट सी, FIR दर्ज हुई हुई सी कोटकपूरा वाली, उहनूं रद्द करन वास्ते दैन DGP सुमेध सिंह सैनी, IG परमराज सिंह उमरा नंगल या होर हेठले सुहैल बराड़ ने भी कीता, हाँ हाँ, ते ओ सारे रिट सी, हाँ ओ सारे गए हुए सी, ते वैसे भी कह रहे सी कि केस दोबारा CBI नूं दे दो। जज साहब कह रहे ने, मैं जजमेंट जिन्नी पढ़ी है, कि जेकर LK यादव की SIT जी कोटकपूरा की जांच कर रही है, तो नौनिहाल सिंह की SIT जी बहबल कलां की जांच कर रही है, जेकर ए इन्हां नूं अलग अलग नहीं किया जा सकता, ए इंटरलेटेड ने। तां ही देखो ये दोवें केस मेरे कोल सीगे जी, जी। पहला देखो प्रबोध कुमार जी सीगे, बाद दे विच प्रबोध कुमार जी ने छड़ दिता सी, ते ए दोवें केस मेरे कोल सीगे जी। एक SIT सीगी, सब टीम नूं तुसीं कह सकदे हो, तो कोटकपूरा वाली भी ते बहबल कलां वाली भी, ये मैं दोवें केस मेरी वाली SIT जांच कर रही थी। मेरे रिजाइन करन तो बाद दो SIT बन गई। बट सर वही वही मेरा एक सवाल छोटा जा है, जज साहब कह रहे ने जेकर इन्हां नूं अलग कर दिता या LK यादव अगर काम करना बंद कर देंगे और रिपोर्ट नहीं देंगे तो नौनिहाल सिंह जड़े ने वह हैंडीकैप हो जाएंगे। देखो पर ऐसा क्या है कोटकपूरा का, क्योंकि तुसी दोनों SIT हेड दे मेंबर रहे हो,
ते काफी जांच जिहड़ी है लीड भी की है तुसी। ऐसा क्या जो तुसी जनता की कचहरी की गल आपां की है जनता की कचहरी च आपां नूं दस देना चाहिए कि ऐसा क्या है जिस तो डरते ने कि इन्हां नूं तोड़ दो जी आपस च। वो जो तुसी कह रहे हो ना जी ये चीज़ मैं विधानसभा वास्ते रखिया हुआ है। चलो जो मैं बेनती की थी वो भी कचहरी स्पीकर साहब ठीक है जी। वो भी जनता दी ही कचहरी है बेसिकली वो तुसी दसोगे पर हाँ वो मैं उत्थे दसना है जी, जी। जो जो चीज मैं किया सी जो मैं पूछ रहा 10 मिनट का मौका दिता जाए वो मैं मीडिया दे राही इस स्टेज ते नहीं दसांगा। वो मैं जदों भी दसना है वो मैं विधानसभा दे विच जदों मैनूं मौका मिलेगा मैं उत्थे दसना क्योंकि परमात्मा की कृपा के नाल जनता ने मैनू विधानसभा तक पहुँचाया है तो उस तो वधिया फोरम होर कोई हो नहीं सकता है तो वो गल मैं उत्थे रखांगा जी। लेकिन तुसी देखो 14 अक्टूबर 2015 yes. सवेरे सवेरे कोर्ट कपूरा दे विच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग भी हुई वीडियो सारा कुछ तुसी देखो जी. फायरिंग भी हो रही है लेकिन कागजात दे विच देखो जिन्ने भी पुलिस मुलाजिम उत्थे आए सीगे सारिया का राउंड वगैरह सब कुछ बराबर है किसी का एक राउंड भी फायर मतलब नहीं हो रहा है वो उत्ते काफ़ी ज़्यादा देखो चर्चा चल रही है जी। हुण तुसी देखो सवेरे सवेरे फायरिंग कोर्ट कपूरा दे विच हो गई बहुत सारे लोग जख्मी हो गए कईयां नूं गोली लगी जिन्हां नूं गोली लगी उन्हां नूं हस्पताल भी नहीं पहुँचाया गया जो हस्पताल दे विच गए उन्हां नूं भजा भी दिता गया कुछ लोगों का इलाज सिविल हॉस्पिटल दे विच ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों दे विच जां डिस्पेंसरियां दे विच इत्थे तक कि RMP डॉक्टरों ने भी जिन्हों गोली लगी है ना उन्हों का इलाज किया चलो। लेकिन मान लो सवेरे सवेरे गोली कोट कपूरा दे विच चल गई उदों सरकार सीगी प्रकाश सिंह बादल जी चीफ मिनिस्टर सीगे सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीगे जो कि अपने आप नूं मतलब वो सुपर CM एक तरीके दे नाल अकाली दल दे विच कहा जांदा सी होम डिपार्टमेंट उन्होंने कोल सीगा जदों एक थां ते गोली चल गई सरकार नूं ये चाहिदा सी कि जिस व्यक्ति ने अनगहली कीती है उन्होंने विथड्रॉ कर लेंदे जी उत्थों ठीक है मान लो जो अफसर सी हाँ एक सैकेंड वास्ते तुसी मान लो इन्हां दी उहदे विच सहूलत नहीं सीगी तुसी मान लो एक सैकेंड वास्ते ऐसा है नहीं लेकिन इमरान अंगल दी ते चरणजीत शर्मा हाँ इन्हां नूं वापस कर लेंदे बहुत सूझबूझ वाले अफसर उत्थे मौजूद सीगे उत्थे ADGP लॉ एंड ऑर्डर भी सीगे ते आस पास दे जिलियां दे विच बहुत वधिया अफसर तैनात सी एक थां ते जेकर गोली चल गई ना तो इन्हां नूं तुरंत विथड्रॉ एक कर सकते सी लेकिन 2-2.5 घंटे बाद फायरिंग दोबारा हो रही है और वही अफसर कर रहे हैं ते करवा रहे हैं बहबल कलां दे विच उत्थे 2 व्यक्तियां दी मौत भी हो रही है फिर तुसी किस तरह कह सकते हो कि सरकार दा इंटेंशन बोनाफाइड सीगा सरकार दा इंटेंशन बोनाफाइड नहीं सी ये तफ्तीश दे विच आ गया है क्यों कोट कपूरा फायरिंग तो बाद गौर करने वाली गल है जेकर सरकार चाहती कि हाँ गलती हो गई है सरकार उदों ही एक्सैप्ट कर लेंदी होम डिपार्टमेंट DGP कि चलो इन्होंने गलती कर दी तो इन्हों वापस कर लेंदी तो बहबल कलां दे विच फायरिंग होनी नहीं सी जो ये कहा गया कि बहबल कलां चौकी नूं लोगों ने घेरा पाया सी इस तरह की कोई गलत सीगी नहीं ये गल बनाउन की कोशिश की गई बाद दे विच तुसी देखो सामी जो एक सरकारी नवी जिप्सी लिया के जिप्सी दे उत्ते प्राइवेट दुनाली बंदूक दे राही फायर मारिया गया जो पंकज बंसल दी गन आई सीगी ते सुहेल बराड़ दे उहदे विच की बोलते हाँ फार्म हाउस दे विच सारा कुछ तैयार किया गया तुसी देखो प्रबोध कुमार जी जो उदों अपने आप नूं सिट दे मुखी बोलते सीगे ऐसे कोई मुखी नहीं सीगा सारे तफ्तीशी सीगे सरकार वालों जो ऑर्डर जारी होया सी देयर वाज नो मुखी कोई हेड नहीं सी नहीं कोई हेड नहीं सीगा प्रबोध कुमार जी ऑल 5 ऑफिसर्स वेयर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सारे मेंबर सी हेठ लिखे अफसरां दे मतलब आधारित सीनियरिटी उपर सी सीनियरिटी दे विच उपर सीगे ठीक है मैं सीनियरिटी दे विच तीजे नंबर ते सीगा लेकिन कोई भी ओदे विच मुखी नहीं सी वैसे ये फैक्ट पहली बार मीडिया च आ रहा है लेकिन कोई भी मुखी नहीं ठीक है कागज वेख सकते हो RTI जिम्मेवार पोस्ट हो जिथे बोल रहे हो देखो हुण देखो जो ऑर्डर होया ऑर्डर भी कोई साधारण ऑर्डर नहीं सी जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के उत्ते पंजाब विधानसभा 28 अगस्त 2018 yes. तुसी डेट भी देख लेना 28 अगस्त 2018 पूरे दिन बहस हुई सी yes. पूरे दिन बहस हुई सी बहस उपरांत एक रिसोल्यूशन पास होया सी तो मत्ता पास होया भी यस ठीक है तो मत्ता पास होया कि इस
कमीशन दी रिपोर्ट दे आधार ते तफ्तीश करन वास्ते एक SIT दा गठन किया जावे। यस ठीक है। तो उस करके उस मता दे आधार ते रिसोल्यूशन दे आधार ते पंजाब सरकार ने एक SIT बनाई जी, जिस दे विच 5 मेंबर सीगे, प्रबोध कुमार जी, अरुण पाल सिंह, मैं भी सीगा, 2 होर अफसर सी जी। ठीक है। तो इस करके वो साधारण SIT नहीं सीगी, वो पंजाब विधानसभा दी इच्छा दे मुताबिक ये बनाई गई सी SIT। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू होया, जो वड्डे घराने का वड्डे लोगों का नाम सामने आउन लग्या, खास करके प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर बादल नू जो मैं नोटिस दे दिता, क्योंकि वो रिपोर्ट विच भी सी, रिपोर्ट दे विच इन्हां दा नाम सीगा, इवन अक्षय कुमार दा भी नाम सीगा, सब कुछ मैसेजेस सीगे, सारा कुछ सीगा जी, जी। ते जदों सफा मिसल ते केस फाइल दे उत्ते जदों एविडेंस भी आ गया ते उस रिपोर्ट दे विच सीगा मैं नोटिस। सब तो पहला देखो इन्हां लोकां ने की कीता, प्रबोध कुमार जी ने कि हाँ जी नोटिस वापिस ले लो जी। मैं कहा कि नोटिस में वापिस किया गया, मैनू कहा गया बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा कि नोटिस वापिस ले लो जी। मैं कहा कि नोटिस क्यों वापिस लेवांगे जी, नोटिस तुसी वापिस ले सकते हो, जेकर अपने आप नु तुसी मुखी बोलते हो तो बतौर मुखी तुसी कर लो। मैं ये भी कहा तुसी 4-1 दी बहुमत दे नाल तुसी वापिस ले लो, 5 मेंबर ने 4 मेंबर एक पास, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो तफ्तीश होंदी है तो कोई भी 4-1 दा बहुमत नहीं हुंदा है, 3-2 दा बहुमत नहीं हुंदा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जो तफ्तीश की जाती है उसदे विच उसकी सारी जिम्मेवारी जो तफ्तीश करता है ना उसकी होंदी, आईओ दी होंदी, आईओ दी होंदी है जी, और हर आईओ स्वतंत्र होंदा है जी अपने हिसाब दे नाल कानून मुताबिक तफ्तीश करन वास्ते। तो पहला इस दे उत्ते चलता रहा जी, फिर होया कि उन्हां दी उम्र 65 साल तो उपर है, वो अमृतसर सर्किट हाउस नहीं जा सकते, हालांकि तुसीं उन्हां दा मूवमेंट देखो, मतलब आम ही अमृतसर उन्हां दा आना जाना रहिंदा, जो उन्हां नूं इमीडिएट रेमेडी मिल दिखदी सी ओह ले ली उन्हां ने। हां नहीं तो चलो असी गए जी, जी जदों असी जा रहे सी कुछ किछ वास्ते तो मैं बेनती कीती इन्हां नूं कि तुसीं चलो, प्रबोध कुमार जी सीनियर होने के नाते, सीनियर होने के नाते कि तुसी चलो तुहाडे मतलब तुहाडी हाजरी दे विच पूछगिछ होगी। उदों भी उन्होंने कहा कि नहीं तुसी लिख के दे दो कि आज पूछगिछ मुलतवी की जाती है, कि होर भी सीनियर अफसर चाह रहे हैं कि आज पूछगिछ ना हो। मैं ये देखो नोटिस मेरे वालों दे दी गई है, कानून मुताबिक नोटिस दी गई है, वापिस लेना है या आज पूछगिछ नहीं करनी है तो वो तुसी कर सकते हो, मैं नहीं वापिस ले सकता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं नहीं जानता जी, वो गए नहीं। जदों असी चले गए उत्थे गए, फिर बादल साहब ने कहा कि तुहाडे मुखी कित्थे ने जी। मैं उन्होंने कहा कि मुखी आए नहीं, जेकर तुसी चाहो बुला सकते हो। मेरे फोन दे राही ही बादल साहब ने गल की, मुखी 1.5-2 मिनटां दे विच जिस तरह वो तैयार बैठे सीगे वो पहुँच गए जी उत्थे। वो जदों गए तो बादल साहब नूं पूरा हौसला हो गया, इहदा मतलब कि कुछ ना कुछ तो है ना जी, कुछ ना कुछ उहदे विच सीगा। ठीक है। तो पूछगिछ होई, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं ही किया, प्रबोध कुमार जी ने भी किया। तुसी देखो सारी प्रक्रिया दी वीडियोग्राफी हुई है, कोई ये नहीं कर सकता है कि किसी ने इस तरह का क्वेश्चन किया, किसी ने उस तरह का क्वेश्चन, कोई हार्श लैंग्वेज यूज़ टोटल नहीं, हर प्रोसेस दी वीडियोग्राफी है। जैसे जैसे क्योंकि हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के नाल जो तुसी मतलब पूछगिछ करते हो तो बाद दे विच कई तरह के इल्जाम लगते हैं, तो असी तो कानून के मुताबिक पूछगिछ करनी सी, तो इस करके असी उस संपूर्ण प्रक्रिया दी असी वीडियोग्राफी कीती हुई है, वो SIT दे कोल है। हुण तुसी देखो जदों पूछगिछ हो गई, सुखबीर बादल दी भी पूछगिछ हो गई, अक्षय कुमार दी भी पूछगिछ हो गई, इन द मीन टाइम चरणजीत सिंह ने जो रिट कीती सी हाई कोर्ट दे, वो रिट डिसमिस हो गई। यस। ते फिर उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो बाद तुसी देखोगे सोमवार 28 जनवरी 2019 सब कुछ एक एक डेट दिन के हिसाब के नाल मैनू याद है, क्योंकि मैनू बहुत तकलीफ पहुँचाई गई जी 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 SIT वालों भी, सरकार दे वालों भी, और सरकार तुसी कह सकते हो जां सरकारी तंत्र कह सकते हो, सरकारी तंत्र वालों भी ते दोषी पक्ष वालों भी। तो इस करके मैनू दिन भी याद है, तारीख भी याद है, और समा भी याद है। तो 28 जनवरी सोमवार नू जो पूछगिछ हुई सी चरणजीत सिंह जी दी फरीदकोट दे विच जी, वो 5 मेंबर उत्थे हाजिर सी, लेकिन तुसी देख लो मैं बार बार बेनती की कि इस पूछगिछ के आधार पर जो मतलब नोट तैयार किया गया है, जो फाइल तैयार की गई है, 5 दे 5 मैंबर ने पूछगिछ की है, तो साइन भी 5 दे 5 मैंबर के होने चाहिए,
लेकिन देखो इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, एक भी तुसी केफदारी दिखा दो, एक भी केफदारी, तफतीश दे विच देखो केफदारी लिखी जाती है, जिस उस केफदारी नूं पंजाबी दे विच असीं जिमनी बोलते हैं। यस, एक भी जिमनी तुसी प्रबोध कुमार जी वालों दिखा दो जां अरुण पाल सिंह वालों तुसी दिखा दो, एक भी केफदारी नहीं है। फिर तुसी किस तरह कह सकते हो कि तुसी सीट दे मुखी हो जां तुसी तफतीश कीती हुई है? सर, जो तुसी ये रिवेलेशन कर रहे हो शायद पहली बार मीडिया च हो रही है। सारा कुछ है जी, अफसरां दे कोल है सारा कुछ, पर जो तुसी बोल रहे हो इहदा मतलब ते जो जिन्हां अफसरां दे तुसी नाम ले रहे हो, जिहड़े चार बंदे तुहाडे नाल सीट च सी, चलो चार दे चार ना सी, पर जिहड़े दो सिखरले सी प्रबोध कुमार ते अरुण जीत सिंह, अरुणपाल सिंह सॉरी, हुण तुहाडे अमृतसरी तैनात ने, इहदा मतलब ते उन्होंने एडवर्स रोल प्ले किया। देखो जेकर इंसाफ नहीं मिलिया, जेकर इंसाफ नहीं मिलिया उहदे विच, इहनां दा बहुत बड़ा रोल है, दो अफसरां दा बड़ा रोल है, क्योंकि एक भी जिमनी तुसी दिखा दो, एक भी केफदारी दिखा दो। होम डिपार्टमेंट ने एक बारी फैसला किया कि मेरे हिसाब दे नाल 12 मार्च 2020 नूं एक रिपोर्ट जानी सी, रिप्लाई जानी सी मान जो हाई कोर्ट दे जी। होम डिपार्टमेंट ने कहा कि इस रिप्लाई दे उते 5 दे 5 मेंबर साइन करन, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो कल्ले मेरे सिग्नेचर तो मजबूरन, मजबूरी बस तुसी देखोगे, मैनू कल्ले साइन करना पिया होम डिपार्टमेंट की मर्जी के खिलाफ। इसे करके शायद हाई कोर्ट की झटका भी तुहानू ही खानी पई। नहीं चलो मैं की करांगा जी, मैं रीजन पता लग रहा है ना, देखो उदों तक तुहानू भी पोर्ट्रेट तुहानू भी यह करता सी कि तुसी खलनायक हो जी, नहीं जिस तरह दियां तुहाडे बारे कमेंट्स ऑब्जरवेशनस हाई कोर्ट ने कीतियां, पर हुण समझ आ रहा ना कि तुहानू किस हालात च काम करना पै रहा सी। देखो मेरा तो यह है कि मैं ना तो किसी कोलों डरदा हाँ जी, ना कोई मैनू लालच दे सकता है। डर ते लालच इह शुरू तो ही, जदों तो मैं नौकरी ज्वाइन कीती सी मैं क्लीयर कट, क्योंकि जिस धरती ते असीं बैठे हुए हैं जी, इस शहीदां दी धरती है जी। जेकर उस शहादत नहीं हुंदी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार शहीद किया, तो यह भी देखो कजाकिस्तान किरगिजिस्तान की तरह कोई ना कोई मध्य एशिया का हिस्सा होना सी। यस, ठीक है कि नहीं? नो डाउट। असीं इत्थे नहीं, मतलब अज की तारीख दे विच हुंदा, तो वो महान शहादत हुई है। तो इत्थे जदों मैं नौकरी दे विच आया, मैं कहा कि देखो इससे भी सूरत दे विच कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसूलों दा आधार ते, ते जस्टिस नूं मतलब तुसी साइड करके कॉम्प्रोमाइज करके की कर लोगे? ठीक है ना, उस शहादत नूं तुसी मतलब एक तरीके दे नाल निगेट करोगे कि जो शहादत हुई है ना वो मतलब छोटी मोटी शहादत नहीं है ना। जेकर तुसी सोचो हर साल तुसी एक हफ्ता तक तो देखो फतेहगढ़ साहिब दे विच असी जोड़ मेला ते वो सारा कुछ असी मनाउंदे हाँ, मत्था टेकदे हाँ, सरदार भगत सिंह जी दे तुसी देखोगे तो खटकर कलां भी जाते हाँ, तो जिथे उन्हां दी शहीदी होई सीगी हुसैनी वाला दे विच उत्थे भी जाते हाँ, तो देखो उन्हां दी आत्मा नूं तो चोट पहुँचेगी ना जी। जेकर तुसी कुछ इस तरह का काम करोगे जो कि कानून मुताबिक नहीं है, तो जनता नूं इंसाफ देन दी तुहाडी जिम्मेवारी है, इंसाफ तुसी नहीं दे रहे हो, और जानबूझ के जां तां लालच करके जां डर के, ठीक है, दो ही चीज़ हुंदा है जी। कोई लालच कर लेंदा है, कोई डर जाता है। तो इस करके देखो मैं कहा कि जो मेरी जिम्मेवारी है मैं तो जी चलता जाऊँगा जी, मैं तो उस रस्ते ते मैं चलता गया जी, कोई साथ देवे ना देवे। देखो तुसी देखो मैं उहदे विच एक दिन लिखिया भी सी जदों एक कमेंट्स आए सीगे कि हाँ जी ये कल्ले काम करी जा रहे ने, कल्ले सिग्नेचर करके, जदों मानजोग सेशन अदालत ने कह दिता कि चलान दे उत्ते कल्ले दा सिग्नेचर हुंदा है ते कोई इहदे विच त्रुटि नहीं है जी। तो मानजोग सेशन जज, सेशन जज जिन्हां ने ट्रायल करना है जी, वो कह रहे ने कि कोई त्रुटि नहीं है, कि कुंवर विजय प्रताप इज कॉम्पिटेंट एनफ एज ए मेंबर ऑफ SIT टू साइन दिस डॉक्यूमेंट, साइन दिस चलान, तो होर कोई मतलब कौन हुंदा है जी कि उहदे विच किंतु परंतु करे। तो चलो ये तो गल उत्थे रह गई, मेरा यही कहना है कि सिर्फ तो सिर्फ राजनीति हुई जां राजनीति तो प्रभावित होकर लोगों ने मतलब जस्टिस जेकर नहीं होया ना जी, तो कई सारे लोगों ने जिन्होंने तफतीश कीती है, जिन्हां दा रोल सीगा तफतीश दे विच, सारिया ने एडवर्स रोल प्ले किया। इस करके देखो 7 साल हो गए, तो एक अंग्रेजी दे विच कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस तो डिनाई हो चुके जी, 7 साल हो गए, 7 साल जो हो गए तो एक तरीके दे नाल जस्टिस तो डिनाइल ऑफ जस्टिस हो चुकिया है, लेकिन असी आस रखते हाँ कि हाँ जस्टिस जेकर मिल जाए तो चलो। लोगों की कचहरी च दुध का दुध तो पानी का पानी तो होना चाहिए। मैं एक सवाल जो मैं अलाउ करूँ मैं लैना चाहता सी, तुसी कहा कि देखो जो ये जांच है क
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही एक तरह नाल सरकार च आके शुरू कराई सी जिस सीट दे भी तुसी मेंबर सी। किसे वास्ते तुसी किसे ने तुहानू खलनायक दे तौर ते पेश कीता कि इस बंदे ने अपनी मर्जी नाल कर लई है सारी जांच, इस बंदे ने अपनी मर्जी चलाई है, दूजे की सुनदा नहीं है बंदा। पर एक वड्डा हिस्सा लोगों का वह है जिहड़े वास्ते तुसी नायक हो इस जांच दे ते जिहदा रिवार्ड तुहानू अमृतसर तो जिहड़ा है तुहाडे हल्के तो जित दे रूप च मिले है। तुसी अज लोगों के नुमाइंदे वजों जिहड़ा बैठे हो, अगे तुसी सरकार दे सेवक सीगे, अज तुसी लोगों के नुमाइंदे वजों बैठे हो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उन्होंने ही कल या परसों एक मीडिया च बयान दे के डिटरमीनेशन शो की है कि जो मर्जी हो जाए मैं जरूर इंसाफ दवाऊँगा, पर जो तुहाडे कोल इनपुट्स ने जिहड़े लोग प्रबोध कुमार तुसी आप खुद नाम लिया है, अरुणपाल सिंह तुसी खुद नाम लिया है कि ये लोग अड़िका बन दे रहे ने किसते बिहेस्ट ऑफ हू, ये पता ही है सबनों के पॉलिटिशियंस उस वक्त सीगे जिहड़े बचाना चाहते सीगे असली कल्प्रिट्स नूं। तां की लगता है कि डिटरमीनेशन च तुहानूं किन्ना कु लगता है कि तुहाडे मुख्यमंत्री साहब ने हुण भी राजनीति होएगी जां लगता है कि मैं तां इह बेनती कीती है जी, मैं दो बारी चिट्ठी लिखी है जी, जदों साडी सरकार बनी सी उदों भी मैं मानजोग चीफ मिनिस्टर साहब नूं चिट्ठी लिखिया, विधानसभा दे विच बाई हैंड ही मैं दे दिता सी। मैं कहा सी कि उन्हां नूं कि जदों भी लोड़ होवे तुसीं मतलब मैनूं बुला सकदे हो, असीं मीटिंग करके कोशिश करिए कि हाँ इंसाफ हो जाए। उस तों बाद भी जदों मैनूं एह महसूस होया कि जिस तरीके दे नाल मेरी रिपोर्ट खारिज पिछले साल हुई सी कोटकपुरा केस दे विच, तो हो सकता है कि बहबल कला केस दे विच मेरी रिपोर्ट खारिज हो सकती है। तो मैनूं इह लग्या कि हुण साडी सरकार है, तां मानजोग चीफ मिनिस्टर साहब नूं मैं दूजी चिट्ठी लिखी सी, उहदे विच मैं क्लीयर कीता सी कि इस दी चंगे तरीके दे नाल पैरवाई होवे। तो चलो साडे एडवोकेट जनरल साहब ने भी पैरवाई वधिया कीती, मैं अपना वकील भी जो मेरे पहला तो ही वकील चलते आ रहे थे शेरगिल साहब एडवोकेट APS शेरगिल, मैं उन्होंने भी बेनती की कि तुसी एक वधिया तरीके दे नाल ब्रीफ बनाओ, तो ब्रीफ बना के इनू प्रजेंट करो, क्योंकि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 3 सीगा, जिथे मैं नहीं सीगा उथे बेनती हो गई सी वर्बली कि हाँ जी मैनू पार्टी बनाया जाए, ठीक है कि नहीं। तो असी यह शो किया कि हाँ असी उस मुद्दे दे नाल आज भी गंभीर हाँ जी, आज भी साडा है कि मुद्दा मतलब सही तरीके दे नाल सही रस्ते ते मतलब तफ्तीश जानी चाहिए है, इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है मैं इस चीज़ की गरंटी आज नहीं ले सकता हाँ जी, ठीक है। क्यों जदों मैं रिजाइन किया उदों मैं की कहा सी तुसी दसो, तुसी भी मेरा इंटरव्यू लिया सी, मैं की कहा सी, तुसी कहा सी कि हुण इंसाफ दी आस मुश्किल है, मुश्किल है जी, उदों भी मैं कहा सी। लेकिन जदों सरकार साडी हुण आ गई है चीफ मिनिस्टर साहब का डिटरमीनेशन जो शो कर रहे हैं डिटरमीनेशन, तो सानू आस तो रखनी चाहिए है, तो मेरा पूरा उस दे विच मतलब सपोर्ट रहेगा, जो भी सरकार या चीफ मिनिस्टर साहब मेरे वालों सपोर्ट मतलब वो चाहणगे, नहीं चाहणगे तो भी मैं अपना सपोर्ट दूंगा जी, ठीक है। तो इस करके मेरा यही है कि इन जो इंसाफ की जो आस है ना, आस जरूर रखनी चाहिए, आस जरूर रखनी चाहिए है। इस आस के नाल असी जी हुण दी साडी गलबात है बड़ी वैल्यूएबल है, डिजिटली इहदी बहुत वैल्यू होएगी, आर्काइवल वैल्यू बहुत रहेगी, लोग सदियां सदियां तक शायद इस इंटरव्यू नूं सुन के जिहड़ा पता कर सकणगे कि होया की 7 सालों के जांच लई की होया। बड़ा दिल खोल के कुंवर विजय प्रताप सिंह उन्होंने इत्थे जो अपनी गल रखी अपनी गल भी रखी है, तो बड़े ही डेयरिंग वे च दस दिता है कि उन्होंने नाल काम करते हुए किड़ा किड़ा अफसर अड़िका बनया, जिस करके जी हुण तक जांच सिरे नहीं चढ़ सकी, इंसाफ वाल जिहड़ा है पहली जिहड़ी पुलांग भी पुट्टी नहीं जा सकी। बहुत शुक्रिया जी साडे लई समां कढ़न वास्ते, ते असीं उम्मीद भी करदे हां कि जरूर जिहड़ी जांच ते इंसाफ किसे पासे लगे। बहुत शुक्रिया।